हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। टुडे यू विल केम टू नो व्हाट हैड हैपेंड इन द एंड ऑफ द स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। आह टेल मी मोर। गुरु नायक हु वाज द स्ट्रेंजर सेड हिम। चलो मुझे और बताओ। बिकॉज ही वाज फीलिंग fascinated when he listened that astrologer was saying absolutely right। A knife has passed through you once, said the astrologer। ज्योतिषी ने बताया कि एक बार एक चाकू तुम्हारे शरीर से गुजर चुका है। Good fellow, he bared his chest to show the square what else। जैसे उसने ज्योतिषी की बात सुनी, उसने कहा बहुत अच्छे। उसने अपने सीने को खोलकर उसे घाव दिखाया। और बताओ इसके अलावा। एंड देन यू आर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाई इन द फील्ड। और फिर ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हें खेत में पास के जो खेत के पास जो कुआं था उसमें ढकेल दिया गया था। एंड यू आर लेफ्ट फॉर डेड। और तुम्हें मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया था। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पैसर बाई हैड नॉट चांस to peep into the well, exclaimed the other। जो अगला व्यक्ति था, स्ट्रेंजर था, वह चीखा कि मैं अवश्य ही मर गया होता यदि राहगीरों को समय न मिला होता, अवसर न मिला होता उस कुएं में झांकने का। Overwhelmed by enthusiasm, उत्साह से चीखते हुए, when shall I get at him, मैं उसे कब मिलूँगा, उसने पूछा। क्लेंचिंग हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी को भीजते हुए। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले संसार में, ज्योतिषी ने उत्तर दिया। ही डाइड 4 months ago इन ए फार ऑफ टाउन, दूर के गांव में वह कुछ महीनों पहले मर चुका है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम अब उसे नहीं देख पाओगे। द अदर ग्रोंड ऑन हियरिंग इट, दूसरा व्यक्ति सुनते हुए गुर्राया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, ज्योतिषी ने आगे कहना जारी रखा। गुरु नायक, यू नो माई नेम, तुम मेरा नाम जानते हो, दूसरे ने कहा तुरंत उसकी बात को रोकते हुए। जैसे कि मैं सारी चीज़ें जानता हूँ गुरु नायक, मुझे ध्यानपूर्वक सुनो। टू व्हाट आई हैव टू से, जो मैं कहना चाहता हूँ। योर विलेज इज 2 days जर्नी, तुम्हारा गांव 2 दिन की यात्रा पर है। ड्यू नॉर्थ टू दिस टाउन, इस कस्बे से उत्तर की ओर। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, अगली ट्रेन पकड़ो और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, मैं पुनः तुम्हारे जीवन पर एक खतरा देख रहा हूँ यदि तुम अपने घर से बाहर निकलते हो। ही टूक आउट अ पिंच ऑफ सेक्रेड एस, उसने एक चुटकी पवित्र राख निकाली। एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसे पकड़ाते हुए कहा इसे अपने मत्थे पर रगड़ लो और चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथ वार्ड अगेन, कभी दक्षिण की ओर यात्रा मत करना। एंड यू विल लिव टू बी 100, और तुम 100 वर्ष तक जियोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, अब मैं पुनः घर क्यों छोड़ूंगा, दूसरे ने आश्वस्त होते हुए कहा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम, मैं अब और तब केवल उसे ढूंढने के लिए निकलता था। टू चोक आउट हिज लाइफ, उसे का जीवन समाप्त करने के लिए यदि मैं उससे मिलता। ही शोक हिज हेड रिग्रेटफुली, उसने अपना सिर पछताते हुए हिलाया। ही हैज एस्केप्ड माई हैंड्स, वह मेरे हाथों से बच गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ एटलीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व, वह उसी मौत मरा होगा जिसके वह योग्य था। हाँ, ज्योतिषी ने कहा। ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, वह एक ट्रक के नीचे कुचल कर मर गया। द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर इट, और दूसरे को यह बात सुनकर गर्वान्वित महसूस किया। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाई द टाइम, समय के साथ साथ वह स्थान सुनसान हो गया था। एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स, ज्योतिषी ने अपनी वस्तुएं उठाई और उनको अपने बैग में रख लिया। द ग्रीन शैफ्ट वाज आल्सो गॉन, हरी प्रकाश की किरण भी जा चुकी थी उस अंधकार प्लेस को, स्थान को अंधकार में और सन्नाटे में छोड़ते हुए। स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, अजनबी भी उसी अंधकार में चला गया। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइंस, उस ज्योतिषी को एक मुट्ठी सिक्के देते हुए। इट वॉज नियरली मिडनाइट, लगभग अर्धरात्रि की का समय था। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, जब ज्योतिषी अपने घर पहुंचा।
हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, उसकी पत्नी उसका दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और देर से आने का कारण पूछा। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर, उसने सिक्के उसकी ओर उछाल दिए और कहा इनको गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी ने इन सारे सिक्कों को दिया है। 12 and a half आना, 12:30 आने, उसने कहा। 12:30 आने का मतलब एक रुपये में 16 आने होते थे, तो इसका मतलब उसे 12 आने और आधा आना और मिला था। उसने गिनते हुए कहा सी वाज ओवर जॉयड, वह बहुत ज़्यादा खुश थी। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, मैं कुछ गुड़ और नारियल कल खरीदूंगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स, बच्चा मिठाई के लिए कह रहा है कई दिनों से। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ़ फॉर हर, मैं उसके लिए कुछ अच्छी सामग्री बनाऊंगी। द स्वाइन हैज चीटेड मी, ही प्रॉमिस्ड मी अ रूपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर। सी लुक्ड एट हिम, उसने अपने पति की ओर देखा, जिस ज्योतिषी की ओर, क्योंकि उसने कहा कि उस धूर्त ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे 1 रुपया देने का वादा किया था। यू लुक वरीड, वाट इज रॉन्ग, तुम चिंतित दिखाई पड़ते हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, आफ्टर डिनर, रात्रि के भोजन के बाद अपने प्योल पर लेटते हुए, प्योल माने होता है एक आराम कुर्सी जिस पर वो बैठा, उसने बताया। डू यू नो, तुम जानती हो, अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे, एक बहुत बड़ा भार मेरे ऊपर से आज उतर गया। मैं सोचता था आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन इन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, इन वर्षों में मैं सोचता रहा कि मैंने अपने हाथों से एक व्यक्ति को मारा है। दैट वॉज द रीज़न, यही वह कारण था कि भाई आई रैन अवे फ्राम होम, मैं घर से क्यों भाग गया था, यहाँ रहने लगा था। एंड मैं रीड यू, और तुमसे शादी की। ही इज एलाइव, वह जीवित है। सी गैस्प्ड, यू ट्राइड टू किल, वह बहुत आश्चर्य से उसने कहा कि तुमने मारने का प्रयास किया। यस इन अवर विलेज व्हेन आई वाज असली यंगस्टर, हाँ अपने गांव में जब मैं एक मूर्ख नवयुवक था। वी ड्रैंक, हमने शराब पी, गैम्बल्ड जुआ खेला, एंड क्वारल और झगड़ा किया बुरी तरह से एक दिन। भाई थिंक ऑफ इट नाउ, चलो अब इसके बारे में क्यों सोचते हैं। इट्स टाइम टू स्लीप, अब सोने का समय है। ही सेड यानिंग, उसने आह भरते हुए कराहते हुए कहा। एंड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ ऑन द प्योल, और अपने आप को उस प्योल पर फैला दिया। सो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे आई हैव एंडेड द स्टोरी, एंड नाउ इट्स योर टर्न टू रीड द स्टोरी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एंड सेंड टू मी। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।